गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मैं रूपाली सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल प्रबल एकेडमी में तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं और क्लास हम हमारी शुरू होने वाली है करंट अफेयर्स की एंड जल्दी से आप लोग आप सभी सेशन को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें और साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सब सभ, आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके तो धीरज सहाय जी आ चुके हैं ज्वाला वेरी गुड मॉर्निंग धीरज गुड मॉर्निंग चलिए शुरुआत करेंगे हम अपने सेशन की और इसी के साथ में आपको पता है कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबल एकेडमी के नाम से इस चैनल को आपको ज्वाइन करना है ताकि आपको पीडीएफ एंड स्टडी मटेरियल मिल सके ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं आज की हमारी टॉप टेन करंट अफेयर्स न्यूज़ क्या है साथ में हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन का भी और साथ में हम मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए आज यूपी स्पेशल भी और आज से यूपी के भी एक स्पेशल टॉपिक हम डिस्कस करने करेंगे और इसके साथ में हमारा एक स्टार्टिंग पोर्शन भी रहने वाला है ठीक है तो देवेंद्र प्रताप जी आ चुके हैं वेरी गुड मॉर्निंग ओके चलिए शुरू करेंगे सेशन को चलिए देखते हैं आज का आपका सबसे पहली न्यूज क्या कह रही है ठीक है तो सबसे पहली न्यूज है भारत पाकिस्तान सिंधु कमिश्नर की बैठक होने वाली है ठीक है आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच बीच में जो है वो 1960 में क्या हुआ था सिंधु जल संधि हुई थी जिसके जो आपकी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे ठीक है तो इस संधि से रिलेटेड आपकी जो है हर साल एक बैठक होती है तो भारत पाकिस्तान सिंधु कमिश्नर की बैठक अभी आयोजित की जाने वाली है तो भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्त नई दिल्ली में 23 से 24 मार्च 2021 को बैठक में भाग लेंगे कब हुई थी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के प्रावधानों के तहत आयोग भारत और पाकिस्तान में वैकल्पिक रूप से वर्ष में कम से कम एक बार नियमित रूप से बैठक करेगा और इससे पहले जो भारत पाकिस्तान स्थाई सिंधु आयोग की अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी 29 से 30 अगस्त 2018 को लाहौर में आयोजित की गई थी तो अब इस बार से क्या हो रहा है इस बार से ये हो रहा है कि हर साल ये बैठक जो है आ, की जानी है तो मुलायम सिंह जी आ चुके हैं वेरी गुड मॉर्निंग निराशा गुड मॉर्निंग एंड uh, विपिन शुक्ला भी आ चुके हैं ममता यादव वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को जी हाँ मेरी तबियत अब पहले से बेहतर है थोड़ा चलने में दिक्कत है पर धीरे धीरे वो भी सही हो जाएगा फ्रैक्चर है तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ठीक है तो आई थिंक नो वॉइस वॉइस ही नहीं आ रही है ऐसे कैसे हो सकता है ठीक है यहां तो सब कुछ ठीक है चलिए तो अब धीरे कुछ टाइम लगेगा फिर मैं काफी बेहतर हो जाऊंगी ठीक है चलिए वॉइस सही आ रही है निराशा आप एक बार चेक कर लीजिए ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया अगर मैं बात करूं भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु समझौता कब हुआ था तो ये हुआ था आपका वर्ष 1960 में जिसमें आपकी तीन पूर्वी नदियों का ये संधि किससे रिलेटेड है ये जितनी भी आपकी सिंधु जल संधि है तो सिंधु की जितनी भी आपकी ट्रिब्यूटरीज है ठीक है उन नदियों का जो वितरण है वो किसके हक में जाएगा ये आपका जो है होता है ठीक है तो जैसे कि आग, आपकी जो पूर्वी नदियां है उसका जो है कंट्रोल किसके हाथ में है इंडिया के हाथ में है और जो पश्चिमी नदियां है वो आपकी जो है पाकिस्तान के कंट्रोल में है ठीक है क्लियर है ओके ममता यादव जी बेहतर हूं और भी ठीक हो जाऊंगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है तो नेक्स्ट न्यूज हमारी कह रही है भारत में विश्व का चौथा भारत जो है वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है भारत में विश्व का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है आईएमएफ की रिपोर्ट के द्वारा ये अभी फिलहाल में जारी किया गया है तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च दो में रूस के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है 5 मार्च 2021 तक भारत की विदेशी मुद्रा होल्डिंग चार से 4.3 बिलियन डॉलर से गिरकर कर बिलियन डॉलर हो गई जिससे कि पांच बिलियन डॉलर के साथ पीछे रह गया है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मेज पर जो सबसे पहले नंबर पे है वो कौन है चीन ठीक है इसके चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है नंबर टू पे आपका जापान है और नंबर थ्री पे आपका क्या है स्विट्जरलैंड है और सबसे लास्ट में आपका चौथे नंबर पे कौन सा आ जाता है भारत आ जाता है और यहाँ पे एक बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तो चलिए मुझे सभी स्टूडेंट्स आंसर करके बताएंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आईएमएफ का गठन कब हुआ था कब ये इस्टेब्लिश हुआ था इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है चलिए सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का आई की बात हुई है तो आई का स्टेब्लिशमेंट ईयर और हेडक्वार्टर आपको बताना है आंसर करना शुरू करें और इसके हेड का नाम भी आपको बताना है कि इसके हेड कौन है मुलायम सिंह जी ममता शौर्य निराशा सुप्रीम संजीव सभी को आंसर करना है आईएमएफ का एफ ईयर हेडक्वार्टर और इनके हेड का नाम चलिए देखते हैं तो आईएमएफ का स्टेब्लिशमेंट ईयर आपका कब इसका गठन हुआ था 1945 में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है यह है आपका वॉशिंगटन डीसी में ठीक है कहां पे है वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ के हेड का नाम क्या है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ठीक है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या कह रही है तो नेक्स्ट न्यूज हमारी है कि अफगानिस्तान के राशिद खान ने बनाया है एक नया रिकॉर्ड ठीक है तो क्या रिकॉर्ड बनाया है ये हम देखते हैं तो 14 मार्च 2021 को 21वीं 20 सदी में किसी टेस्ट में सबसे अधिक ओवर फेंक के अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने ऑस्ट्रेलिया स्पिनर दिग्गज शेन वॉन के मेगा रिकॉर्ड को तोड़ दिया है ठीक है तो अभी फिलहाल में आपका अफगानिस्तान के जो आ, खिलाड़ी हैं राशिद खान इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा ओवर फेंक करके आ, जो है ये अब ये आपका रिकॉर्ड बना है और शेन वॉन को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है 2002 में केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में वॉन ने 98 ओवर फेंके थे और 22 वर्षीय अफगान स्पिनर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे दूसरे टेस्ट में यह उपलब्धि प्राप्त की है ठीक है तो अफगानिस्तान की अगर हम बात कर ले तो उसकी कैपिटल क्या हो जाती है काबुल हो जाती है यहां पे आपकी करेंसी अफगानी चलती है और यहाँ के आपके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है अशरफ गनी ठीक है तो इसको आपको याद रखना है और अभी फिलहाल में सबसे ज्यादा ओवर किसी भी टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा ओवर जो है वो बनाने वाले अब कौन बन गए हैं अफगानिस्तान के राशिद खान ठीक है आदर्श जी आ चुके हैं वेरी गुड मॉर्निंग आदर्श कैसे हैं आप ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट न्यूज क्या कैरी है प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक में टेलीग्राम में जहां भी आपका एजुकेशनल ग्रुप है आप प्लीज उसे शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ठीक है जी हा मुलायम सिंह जी ऑलमोस्ट नाइनटी रन नाइन्टी नाइन ओवर्स जो है इन्होंने फेंके ठीक है नेक्स्ट है आपकी नजारा कंपनी ठीक है नजारा कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये आपकी एक गेमिंग कंपनी है और फिलहाल में भारतीय एक्सचेंज में ये सूचीबद्ध होने वाली पहली गेमिंग कंपनी बन गई है ठीक है तो देखते हैं इस न्यूज में क्या है 17 मार्च 2021 को लॉन्च के लिए तैयारी अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश दैट मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के साथ में नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने वाली पहली पहली भारतीय गेमिंग कंपनी बन जाएगी <coughs> ठीक है तो यहाँ पे आपको पहली गेमिंग कंपनी कौन सी हो गई है नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी ने 583 करोड़ रुपए शेयर बिक्री के लिए 100 से 1101 एक प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है और आईपीओ वैश्विक रूप से कंपनी की प्रोफाइल को बढ़ाएगा और अधिक निवेश के अवसरों के द्वारा के द्वार को भी खोलेगा इसी के साथ में नजारा के पास तीन करोड़ रुपए का नकद भंडार भी है क्वेश्चन आपको यहाँ किस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली गेमिंग कंपनी कौन सी है जिससे फिलहाल में जो है सूचीबद्ध किया गया है तो आपको याद रखना है कौन सी कंपनी है नजारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड क्लियर है हां आदर्श जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूं अच्छी हूं बीस शताब्दी ओके वेरी गुड मुलायम सिंह जी अपनी इंफॉर्मेशन क्रिकेट की जानकारियां हमें देते रहते हैं बीच बीच में है ना खिलाड़ी होने का यही फायदा है सभी अपने फील्ड के मास्टर होते हैं ठीक है टीचर होता है उसको अपनी अपना जो भी ज्ञान है वो दे सकता है खिलाड़ी है उसके अलग फील्ड है वो उसके अपने जो है नॉलेज वो बताता रहता है ठीक है तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स जो है कमेंट करते रहा करें आपको जो भी चीजें हैं जो भी जानकारी ज्ञान बांटने से बढ़ता है है ना तो आप अगर आपको कुछ भी पता अगर आप यहाँ पे कमेंट करते रहेंगे तो आपकी वो चीजें स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी वो चीजें आपको जो है याद होती जाएंगी ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है मुलायम सिंह जी ठीक है तो बीस शताब्दी में मुथैया मुरलीधरन ने 1998 में 100 तेरह ओवर फेंके थे और महास्पिनर श्रीलंका के हैं वो ओके वेरी गुड ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है नेक्स्ट न्यूज है अभी फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंकाई श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोताबाए राजपक्षे से जो है एक बैठक की है उनके साथ एक वार्ता की है आपको याद होगा इससे पहले पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान वो भी श्रीलंका गए हुए थे वहां पर भी उनकी वार्ता हुई थी और उन्होंने डिफेंस सेक्टर में कुछ जो है वहां पर उनके बीच में समझौते भी हुए हैं तो फिलहाल में प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंकाई समकक्ष के साथ में वार्ता की है गोताबाई राजपक्षे के साथ में देखते हैं आखिर इनके बीच में किस चीज को लेकर के समझौता हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेरह मार्च दो को श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोताबाई राजपक्षे से वार्ता की उन्होंने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों में भारत और श्रीलंका के बीच में सहयोग और सामयिक विकास की समीक्षा भी की है इसी के साथ में संबंधित अधिकारियों के बीच में नियमित संपर्क बनाए रखने पर सह व्यक्त की जिसमें कोविड नाइनटीन की चुनौतियां भी शामिल थी इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा डिस्कशन बट कोलंबो को भी हम इसकी एक तरह से एग्जीक्यूटिव कैपिटल कह सकते हैं ठीक है थीके? तो इसकी कैपिटल क्या हो जाती है श्री जयवर्धने कोट्टे श्री जयवर्धने क्लियर है अच्छा प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ पे सभी लोग आंसर करेंगे प्रेसिडेंट कौन है और यहाँ की करेंसी क्या है तो करेंसी की अगर हम बात करें तो श्रीलंकन रुपी जो है वो यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपी प्राइम मिनिस्टर कौन है महिंद्रा राजपक्षे ठीक है प्राइम मिनिस्टर कौन है महिन्द्रा राजपक्षे प्रेसिडेंट अभी आपने देखा ही है प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे गोताबाए राजपक्षे ठीक है महिंद्रा राजपक्षे सभी लोग आंसर करते चलेंगे सभी लोग आंसर करेंगे स्टूडेंट्स ठीक है प्रेसिडेंट कौन है ये है आपके गोताबाय राजपक्षे ठीक है अच्छा और अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की तो श्रीलंका को हम पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन के नाम से भी जानते हैं आप सभी स्टूडेंट श्रीलंका को पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन भी कहा जाता है क्योंकि ये एक मोती की तरह जो है आइलैंड है ठीक है तो पर्ल पर्ल आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन ठीक है या पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन भी इसे कहा जाता है ठीक है पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन क्लियर है इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में ठीक है इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपके जो है कौन कौन से किससे जो, जोड़ता है तो ये आपका पाक स्ट्रेट है और साथ में गल्फ ऑफ मन्नार है जो इनकी बाउंड्रीज को अलग करता है तो कौन कौन सा है कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पाक स्ट्रेट कौन से दो देशों के बीच में है तो श्रीलंका एंड इंडिया इसी के साथ में अगर हम बात करेंगे हाँ मोतियों का द्वीप वेरी गुड ठीक है अगर इसी के बाद में हम बात करेंगे यहां पे कि कौन सा गल्फ है तो ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार ठीक है दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार पूछे जा चुके हैं आगे भी आने की संभावना है ठीक है तो आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या कह रही है तो छत्तीसगढ़ का मनरेगा रोजगार में पहला स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है मनरेगा रोजगार प्रोवाइड करने के लिए ठीक है सभी को पता है कि सौ दिनों का जो है रोजगार मनरेगा के तहत जो है वो क्या किया जाता है प्रोवाइड किया जाता है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी वर्ष 2006 में ठीक है वर्ष 2006 में इस योजना को लॉन्च किया गया था मनरेगा एक्ट आपका कौन से ईयर में आया था तो ये आया था आपका टू था। था। फाइव में जिसमें सभी को राइट टू वर्क की गारंटी दी गई है ठीक है राइट टू वर्क की गारंटी मिली है कि सभी को जो है वो काम करने का अधिकार प्राप्त है अश्वनी जी वेरी गुड मॉर्निंग आई एम फाइन ओके एंड हाउ आर यू सो यस yes, हाँ, आगे बढ़ते हैं देखते हैं इसमें न्यूज में क्या क्या है तो मनरेगा जिसको हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को की नाम से जानते हैं इसका एक्ट कौन सा है 2005 है एग्जाम में कई बार पूछा गया है ठीक है हाँ पहले इसका नाम नरेगा था बाद में बदल के क्या कर दिया गया मनरेगा कर दिया गया इसके तहत रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ को देश में पहला स्थान मिला है ठीक है, तो दूसरा और तीसरा स्थान किसे मिला है दूसरा स्थान मिला है पश्चिम बंगाल को और तीसरे स्थान पे असम और बिहार दोनों ही साथ में आए हैं वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 करोड़ मानव दिनों के रोजगार पैदा करने के लक्ष्य के के मुकाबले इन्होंने कितने दिनों का रोजगार जो है लक्ष्य इनका कितना था पंद्रह करोड़ था और यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलह करोड़ छह लाख चौरासी हजार दिनों का इन्होंने मानव दिनों का रोजगार सृजित किया है और जो कि इसके जो है अगेंस्ट है करोड़ से ज़्यादा इन्होंने रोजगार जो है सृजित किया है इन्होंने कोरोना के टाइम पे सृजित किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो नंबर वन पे मनरेगा में रोजगार पैदा करने वाला राज्य कौन सा हो गया है छत्तीसगढ़ हो गया है छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या, क्या हो जाती है नया रायपुर यहाँ पे आपके जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है भूपेश बघेल है ठीक है यहाँ पे आपकी गवर्नर कौन है अनुसुईया उकई है अब जल्दी से मुझे यहाँ पे बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे इसी के साथ में हम देखते हैं पश्चिम बंगाल ने दूसरी रैंक प्राप्त किया है जबकि असम और बिहार ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया है ठीक है तो आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर गवर्नर और कैपिटल का नाम अब आपको चीफ जस्टिस का नाम यहाँ पर बताना है चलिए जल्दी से आंसर करें सभी स्टूडेंट्स चलिए सभी लोग आंसर करेंगे अच्छा अभी किसी का आंसर नहीं आया है रायपुर भूपेश बघेल गवर्नर अनुसुईया उके मुझे चीफ जस्टिस का नाम चाहिए छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हो जाते हैं ये है आपके पी आर रामचंद्र मेनन पी आर रामचंद्र मेनन ठीक है जीआई टैग्स टैक्स की बात कर लेते हैं ठीक है जीआई टैग्स टैक्स क्या क्या हैं छत्तीसगढ़ के एक तो चंपा हो गया ठीक है चंपा साड़ीस चंपा सिल्क साड़ीज एंड फैब्रिक ठीक है इसके अलावा बस्तर बस्तर आयरन क्राफ्ट है बस्तर आयरन क्राफ्ट है ठीक है बस्तर डोकरा है बस्तर डोकरा है ठीक है और बस्तर वुडन कार्विंग है बस्तर वुडन कार्विंग ठीक है ये सभी इसके जीआई टैग्स हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है अश्विनी जी पीआर रामचंद्र मेनन वेरी गुड मुलायम सिंह जी याद हो गए सभी को चीफ जस्टिस ठीक है देखिये क्योंकि अभी चीफ जस्टिस आपके सभी हाई कोर्ट्स के या तो उनका ट्रांसफर हुआ है फिलहाल ही में और या तो उनकी नई अपॉइंटमेंट हुई है इसलिए ये आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं मैंने आपको एक बार लिस्ट भी दे चुकी हूं और आपको मैंने पढ़ाया भी है अच्छे से याद भी कराया है इसका टेस्ट भी लिया है तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको याद होना चाहिए कि मैंने अपनी तरफ से हंड्रेड दिया है आपको चीफ याद कराने में अब अगर एग्जाम में आता है और आप गलत करते हैं तो यहाँ पे आपकी गलती मानी जाएगी ठीक है तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है एक बार जाकर के फिर से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा टैग की लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ जल्द ही और भी स्टार्टिंग पोर्शन आपके आएंगे जैसा कि आज के स्टार्टिंग पोर्शन में हम बर्ड सेंचुरीज को याद करेंगे बर्ड सेंचुरी को पढ़ेंगे ठीक है तो बिल्कुल भी सेशन को मिस मत करिए क्योंकि आगे के सेशन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ठीक है प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है वेद प्रकाश जी आ चुके हैं गुड मॉर्निंग वेद प्रकाश जी हाँ बस्तर डोकरा आ रहा है चंपा सिल्क साड़ी आ रहा है बहुत अच्छे ज्वाला ठीक है इसको आपको याद रखना है अपडेट uh, रहना जरूरी है बिल्कुल बिल्कुल मुलायम सिंह जी ये तो आपको करना ही पड़ेगा करंट अफेयर्स में यही तो प्रॉब्लम आती है ठीक है ये स्टैटिक पोर्शन नहीं है जीएस पोर्शन नहीं है कि एक बार पढ़ लिया हो गया काम खत्म ठीक है या फिर आपका इंग्लिश पोर्शन नहीं है या कोई अदर सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको रोज अपडेट करना पड़ेगा खुद को रोज का मतलब रोज होता है एक भी दिन मिस नहीं करना है ठीक है इसी वजह से मैं हमेशा आपको यहाँ पे क्लास में डिस्कशन कराती रहती हूँ ठीक है जी हाँ बिल्कुल अश्विनी जी याद कर करिएगा ठीक है मैंने याद तो कराया है लेकिन आपको याद भी करना पड़ेगा शिवशंकर जी वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है तो नेक्स्ट न्यूज है हिमाचल प्रदेश में स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला जो है फिलहाल में लगाया गया है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला है इसलिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा और एग्जाम में जरूर से पूछे जाने के चांसेस हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी में विश्व प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला 12 मार्च 2021 तो से शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के ऐतिहासिक पंडल मैदान में प्रदर्शनी का उद्घाटन कर मेले की शुरुआत की घोषणा की है और इसी के साथ में जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर सरस मेले का उद्घाटन भी किया और आनंद कुमार द्वारा गाए गए सी भजन का शीर्षक कवर भी जारी किया है तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग यहां पे मुझे हिमाचल प्रदेश के बारे में बता दे जो जो भी आपको पता है तो हिमाचल प्रदेश को आपको डिस्कस करना है आपको बताना है यहाँ पे कैपिटल क्या है यहां इनके चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है गवर्नर कौन है चीफ जस्टिस कौन है और आपको यहाँ पे बताना है हिमाचल प्रदेश की जीआई आई टैक्स क्या है चलिए जल्दी से आंसर करना शुरू कर दे आपके पास फिफ्टीन सेकेंड में आपको दे रही हूं आपको फिफ्टीन सभी चीजें मुझे यहाँ पे मैंशन करनी है मैं देखूंगी किसने किसने आंसर किया है चलिए जल्दी से आंसर करना शुरू करें बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ठीक है गठन भी आ गया पच्चीस जनवरी उन्नीस सौ इकत्तर शिमला ओके okay. जयराम ठाकुर शिमला आंसर मंदारू दत्तारैया बहुत अच्छे चीफ जस्टिस का नाम नहीं आया है अभी तक और जीआई टैक्स भी नहीं आए हैं चलिए जल्दी से आंसर करेंगे बात करते हिमाचल प्रदेश की तो इसकी कैपिटल क्या हो जाती है कैपिटल आप सभी को पता है शिमला है ठीक क्या है क्या कैपिटल है शिमला ठीक है इसके धर्मशाला भी एक कैपिटल है ठीक है धर्मशाला भी बोला जाता है एक आपकी समर कैपिटल होती, होती है एक विंटर कैपिटल होती है ठीक है धर्मशाला भी है जी हाँ फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है तो चीफ मिनिस्टर है आपके जयराम ठाकुर जयराम ठाकुर ठीक है इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे आपके गवर्नर कौन है तो गवर्नर है आपके बंदारू दत्तात्रेय बंदारू दत्तात्रेया ठीक है चीफ जस्टिस की बात करेंगे कि यहाँ पे आपके चीफ जस्टिस कौन है एल नारायण स्वामी गौरव राजपूत जी वेरी गुड मॉर्निंग ठीक है एल नारायण स्वामी यहाँ पे जो वो है वो चीफ जस्टिस है ठीक है आ जाते हैं हम यहाँ पे जीआई टैग्स में ठीक है तो जीआई टैग्स आपके क्या क्या हो जाएंगे एक तो आपका कुल्लू शॉल है कुल्लू शॉल है ठीक है किनौरी शॉल है किनौरी शॉल है ठीक है हाँ कुल्लू शॉल किनौरी शॉल रामविलास जी नमस्कार ठीक है ओके बंदारू दत्तात्रेय बहुत अच्छे चीफ जस्टिस एल नारायण स्वामी आदर्शी बहुत अच्छे ठीक है तो यहाँ पे आपका किनौरी शॉल हो जाएगा इसके अलावा कांगड़ा टी ठीक है कांगड़ा टी कांगड़ा पेंटिंग्स ये सभी यहाँ पे क्या है यहाँ के जी आई हैं जिनको आपको रिविजन करना है रिवाइज करते रहना है क्योंकि आप भूलते बहुत जल्दी हैं आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट न्यूज क्या है तो मिताली राज ने बनाया है एक और बड़ा और नया रिकॉर्ड ठीक है तो बड़ा नया रिकॉर्ड आपका क्या है नया रिकॉर्ड इन्होंने क्या बनाया है ये है ये है आपका जो है इन्होंने फिलहाल में सात हजार एक दिवसीय रन बनाए हैं कल आपकी न्यूज में आपने पढ़ा था मिताली राज ने जो है ये दूसरी महिला बन गई हैं संसार में जिन्होंने दस हजार रन बनाए हैं दूसरी महिला है ठीक है महिला क्रिकेटर है जिन्होंने क्या बनाए हैं दस हजार रन बनाए हैं और पहली कौन थी ये थी आपकी शार्लिट एडवर्ड्स जो कि इंग्लैंड की थी अभी इन्होंने नया रिकॉर्ड क्या बनाया है सात हजार ओडीआई रन इन्होंने बनाए हैं देखते हैं तो क्या है न्यूज में भारतीय महिला वनडे टीम की कप्तान मिताली राज ने इतिहास में पहली क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने सात हजार एक दिवसीय रन बनाए हैं उसने 15 मार्च 2021 को अपने एक दो सौ वनडे में यह मुकाम हासिल किया है यह उपलब्धि मिताली राज ने 12 मार्च 2021 को दस हजार रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर और कुल मिलाकर दूसरी बनने के बाद आती है ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पे क्या क्या चीजें याद रखनी है संसार की पहली महिला क्रिकेटर जिसने दस था 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 तो रन बनाए वो है इंग्लैंड की शार्लेट एडवर्ड्स ठीक है दूसरी संसार में महिला और पहली भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने दस हजार रन बनाए हैं वो क्या हो गई इंडिया की कैप्टन कौन है मिताली राज और ओडीआई जो है बनाए हैं जिन्होंने सात हजार ओडियाई रन बना लिए हैं और ये पहली पहली भारतीय महिला बनी है कौन है मिताली राज तो देखते हैं नेक्स्ट आपके आगे हैं क्वेश्चन सेशन पे ठीक है अब जल्दी से एक बार सभी लोग अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दीजिए सब लोग बता दीजिए कि हम मौजूद है एक बार सेशन को लाइक करेंगे साथ में आप सेशन को शेयर भी करते रहिए और प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए अब आपकी बारी है की पैच लेकर के रेडी हो जाएं और क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कर दें ठीक है चलिए पूरी हिस्ट्री एंड सब कुछ बता रहे हैं यहाँ पे मुलायम सिंह जी शी इन नाइनटीन इन 1983 इंडिया सीरीज हार गई है फिलहाल ओके okay, कोई बात नहीं और मिताली राज, राजस्थान जोधपुर से है क्या बात है पूरा बायोडेटा बना के रखा हुआ है चलिए बहुत अच्छी बात है देखते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तो भारत का विद्युत वाहन राजधानी बनने के लिए कौन सा शहर तैयार है ऑप्शन है यहाँ पे दिल्ली मुंबई बेंगलुरु या फिर नागपुर चलिए जल्दी से आंसर करेंगे ओके सब लोग प्रेजेंट हैं। बहुत अच्छी बात है मुलायम सिंह जी दिल्ली बता रहे हैं सुप्रीम का आंसर ए है आंजीतु पिथौरिया आंसर सी कर रहे हैं आदर्श चौहान का आंसर भी दिल्ली है चलिए देखते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है तो भारत का विद्युत वाहन राजधानी देखो यहां पे हिंट क्या है हिंट आपको यहां पे राजधानी से मिल रही है तो राजधानी क्या है दिल्ली है आंसर भी क्या हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा क्लियर है चलिए देखते हैं दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हर तीन किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट लगाने के निर्णय का हवाला देते हुए दावा किया है कि दिल्ली देश की इलेक्ट्रॉनिक वाहन राजधानी बन जाएगी ठीक है तो सही क्या है दिल्ली लॉक कर दिया जाए क्या बात है मुलायम सिंह जी ठीक है तो आंसर सही भी है आप सभी का अश्विनी रामविलास ममता यादव ज्वाला सभी आंसर सही कर रहे हैं आंसर क्या है आपका दिल्ली है सरकार के ने प्रमुख स्थानों पर पांच चार्जिंग पॉइंट के साथ सौ सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए पहले ही निविदा जारी कर दी है और यह दिसंबर 2021 तक चालू हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं देखते नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये क्या है क्वेश्चन है किस देश का लक्ष्य 2021 के अंत तक 80 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण करना है आपके ऑप्शंस हैं रूस अमेरिका भारत या फिर चीन तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे कि आखिर कौन सा देश है जिसने दो में ये लक्ष्य रखा है कि वो अपनी अस्सी आबादी का टीकाकरण कोविड 19 का टीकाकरण कर देगा चलिए आंसर करेंगे जी हाँ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है अरविंद केजरीवाल आंसर करें इसी ओके okay, सभी के आंसर्स आना शुरू हो गए हैं ठीक है कुछ लोग सभी के अलग अलग आंसर्स हैं कुछ लोग भारत कह रहे हैं है ना रामविलास जी अनिल बैजाल गवर्नर बता रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत अच्छी बात है प्रीति पटेल का आंसर सी है ज्वाला आंसर सी कर रहे हैं शनि यादव सी आदर्श का आंसर भारत है चलिए देखते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा तो आप सभी ने यहाँ पे करेक्ट आंसर गलत दिया है ठीक है किसी का आंसर सही नहीं है ये तीनों ही कंट्रीज नहीं है आंसर क्या है चाइना ठीक है क्या है चाइना सही आंसर क्या हो जाएगा चाइना ओके धीरूभाई नारायण भाई, भाई पटेल जज हैं दिल्ली के क्या बात है जीतू बथौरिया साबाश ठीक है एकदम करेक्ट आंसर दिया है आपने ठीक है मैं जज को तो पूछना भूल ही गई थी ठीक है तो जज कौन है दिल्ली के धीरू भाई नारायण भाई पटेल वेरी गुड ठीक है जी हाँ बहुत अच्छे आदर्श ठीक है तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे है चीन ने ये लक्ष्य रखा है कि 2021 के अंत तक अपनी जो है 80 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण ये कर देगा शनि यादव जी का आंसर एकदम करेक्ट है डी चलिए आप लोग चीन के बारे में बताएंगे तब तक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चीन इस वर्ष के अंत तक जो है 2020 के मध्य तक अपनी आबादी का 70 से 80 प्रतिशत टीकाकरण करने का लक्ष्य बना रहा है ठीक है 2021 होगा और चार स्वीकृत टीकों के साथ चीन 900 मिलियन से एक बिलियन लोगों का टीकाकरण करेगा चीन ने चार घरेलू रूप से बनाए गए टीकों को मंजूरी दी है कौन कौन से ये है आपका सीनोफार्मा से दो है सीनोवेक से एक है और कैंसिनो से एक है ये चार टीकों में से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से अपना अंतिम चरण परीक्षण का डेटा जारी नहीं किया है लेकिन फिर भी यहां पे आपको याद रखना है क्या मैम गलत क्या गलत है इसमें <coughs> चाइना कैसे हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है चाइना ठीक है वहाँ पे सब चार इंच के प्राणी हैं

चेन्नई ये क्वेश्चन में कल ही आपको डिस्कस कर चुकी हूँ चलिए आंसर करेंगे सभी लोग चाइना बहुत बुरा देश है सभी विश्व के को परेशान करके रखा है इसे मार देना चाहिए चा, चाइना कोई इंसान थोड़ी है जिसे मार दोगे है ना होने को कुछ भी हो सकता है चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें सभी लोग कि भारत का पहला केंद्रीय कृत एसी रेलवे टर्मिनल जल्द ही किस शहर में संचालित होने जा रहा है ऑप्शन मुंबई बेंगलुरु या फिर आपका भोपाल और चाइना हाँ जब कोरोना फैला सकता है तो कुछ भी कर सकता है सही बात है चलिए ज्वाला जी का आंसर बी है वेद प्रकाश बी शनि आदर्श सुप्रीम केशन धीरज मुलायम सिंह ममता एंड जीतू अश्वनी सभी लोग आंसर बेंगलुरु कर रहे हैं बहुत अच्छे केशन जी वेरी गुड मॉर्निंग करेक्ट आंसर भी आपका क्या है बेंगलुरु है बेंगलोर की बात करते हैं तो ये कर्नाटका की कैपिटल है सभी को पता है और इसे हम सिलिकन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं सिलिकन वैली ऑफ इंडिया या फिर आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी ये जाना जाता है चलिए तो बेंगलुरु में देश का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल जल्द ही चालू होगा 314 करोड़ की अनुमति लागत से निर्मित भारत का पहला एसी रेलवे टर्मिनल मार्च दो के अंत में स्थापित होने वाला है और यह किसके नाम पे पड़ेगा भारत रत्न सर एम विश्व विश्वेश्वरैया के नाम पर यह बैयन पल बैपन हल्ली क्षेत्र में बेंगलुरु का तीसरा रेलवे टर्मिनल है आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पीयूष कुमार जी आंसर बी बता रहे हैं आरुष यादव का आंसर बी है बहुत अच्छे स्टूडेंट सही आंसर आप सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं ठीक है चलिए हाँ टका के चीफ मिनिस्टर कौन है बी एस येदुरप्पा है वाजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भारत का कौन सा राज्य वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा करता है ऑप्शंस हैं आपके यहां पर बिहार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश चलिए आंसर करेंगे बहुत अच्छे जीतू जी अभय श्रीनिवास ओका यहां पे आपके चीफ जस्टिस हैं वेरी गुड चलिए सभी लोग आंसर करेंगे भारत का कौन सा राज्य है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा करता है ओके okay. मुलायम सिंह जी आंसर बिहार कर रहे हैं निराशा शनि आदर्श केशन ज्वाला अश्वनी धीरज रामविलास वेद प्रकाश सुप्रीम आरुष सभी का आंसर ए है बिहार है बहुत अच्छे स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर भी आपका क्या है बिहार है बिहार की राजधानी देखें तो ये क्या हो जाती है <coughs> पटना हो जाती है ठीक है बिहार के आपके चीफ मिनिस्टर कौन है नीतीश कुमार है ठीक है यहाँ पे आपके गवर्नर कौन है फागू चौहान है चलिए जल्दी से मुझे बताएंगे यहाँ पे आपके चीफ जस्टिस कौन है और यहाँ की जीआई टैग्स क्या है चलिए सभी लोग आंसर करेंगे हाँ 1.2 मिलियन होना चाहिए लेकिन 1.9 नहीं है ये जो रेशियो है हाँ 1.2 सही बता रहे हैं आप ठीक है हाँ कैपिटल पटना है बहुत अच्छे स्टूडेंट्स सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का हम्म बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ठीक है यहाँ पे आपकी संजय करोल क्या हो जाते हैं जज हो जाते हैं जीतू पथोरिया वेरी गुड आदर्श वेरी गुड ठीक है चीफ जस्टिस कौन है ये है आपके संजय करोल संजय करोल ठीक है जीआई टैग्स टैग क्या है यहाँ की मधुबनी पेंटिंग्स ठीक है मधुबनी पेंटिंग्स आपने सुनी होंगी कहाँ की जी टैग है ये है आपकी बिहार की क्लियर है <clears throat> कतरनी राइस वेरी गुड ठीक है ज्वाला क्या है इसके अलावा कतरनी राइस भी यहाँ का आपका जीआई टैग है ठीक है हाँ गठन कब हुआ था 22 मार्च 1912 मुलायम सिंह जी बता रहे हैं बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं तो बिहार में 12 करोड़ की आबादी के लिए वन लाख आपके जो है यहाँ पे एक लाख उन्नीस हजार डॉक्टर हैं जो लगभग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मानदंडों को पूरा करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानदंडों के अनुसार प्रत्येक हजार लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए मापदंड पूरा करने के लिए राज्य में वन पॉइंट टू एक दशमलव दो शून्य लाख डॉक्टर होने चाहिए लेकिन वर्तमान में कितने हैं एक दशमलव एक नौ लाख डॉक्टर्स हैं जो की जस, जो कि यहाँ पे आपको पूरा करते हैं जिससे राज्य के लक्ष्य प्राप्ति के बहुत करीब नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहला स्थान पर है या आज ही के क्वेश्चन में हमने आज ही के न्यूज में डिस्कस किया है आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश चलिए आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स मनरेगा के रोजगार देने के लिए या रोजगार मतलब प्रदान करने के मामले में देश का पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है चलिए सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे यहाँ पे ओके मुलायम सिंह जी ने पूरा एकदम अच्छा सा डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है विधानसभा सीटें यहाँ पे दो सौ राज्यसभा सीट 16 है बहुत अच्छे तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है धीरज सहाय बी रामविलास उत्तर प्रदेश कहाँ से हो गया रामविलास जी आप मॉर्निंग में अभी देर से आए हो ना चलो अश्विनी आदर्श शनि एंड मुलायम सिंह जीतू वेद प्रकाश निराशा ज्वाला कुलदीप सिंह का आंसर डी है गलत है आंसर आरुष यादव उत्तर प्रदेश आंसर नहीं है ठीक है कुलदीप सिंह कानपुर उत्तर प्रदेश आंसर नहीं है आज आप लेट हो गए उत्तर प्रदेश आपका 2020 का डेटा था 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा है छत्तीसगढ़ है ठीक है अभी तो टॉप फाइव में भी नहीं आया है ठीक है अभी टॉप फाइव में भी नहीं आया आपका उत्तर प्रदेश तो ये भी हमने डिस्कस किया ही था पहला स्थान प्राप्त हुआ है और ये पूरी न्यूज हमने एज इट इज डिस्कस की थी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे है रावलपिंडी में प्रसिद्ध के आर एल स्टेडियम का नाम बदलकर किस प्रसिद्ध क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन क्या क्या है वसीम राजा शोएब अख्तर जहीर अब्बास या फिर अनवर हुसैन चलिए सभी लोग आंसर करेंगे बी को लॉक कर दिया जाए मुलायम सिंह जी कह रहे हैं मोहित कुमार वेरी गुड मॉर्निंग चलिए जल्दी से आंसर करेंगे रावलपिंडी में प्रसिद्ध केराल स्टेडियम का नाम बदलकर किस प्रसिद्ध क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है हाँ ये रेट लेट आने का रिजल्ट है रामविलास जी चलिए सभी के आंसर शोएब अख्तर आ रहे हैं शनि वेद प्रकाश रामविलास आदर्शी जीतू आरुष मोहित सुप्रीम ज्वाला सुधांशु केशन सभी का आंसर बी है बहुत अच्छे शोएब अख्तर इज दी राइट आंसर ठीक है तो किसका नाम रखा गया है शोएब अख्तर के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम पर रावलपिंडी के केआरएल स्टेडियम का नाम बदल कर बदल दिया गया है और शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी प्रसिद्ध है उन्होंने अपने शानदार करियर के दौरान पाकिस्तान के लिए सैतालीस टेस्ट एक सौ तिरसठ ओडीआई और पंद्रह टी टी इंटरनेशनल में भाग लिया है और उनके नाम पर कुल 444 चौवालीस अंतर्राष्ट्रीय विकेट दर्ज हैं लॉक कर दिया जी मुलायम सिंह जी बिल्कुल परेशान मत हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मुझे सभी के आंसर चाहिए 33 स्टूडेंट्स लाइव हैं मुझे 33 आंसर्स चाहिए इस क्वेश्चन के ठीक है चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल जो है वो लॉन्च किया गया है ऑप्शंस हैं लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोई अंतरराष्ट्रीय अंतर हवाई अड्डा गुवाहाटी कल की न्यूज में ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर नेताजी सुभाष चंद्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता या फिर छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई ये क्वेश्चन मैं आपको कल के न्यूज में हाँ चुकी हूं जल्दी से आंसर करेंगे ओके ओके ठीक है अनुभव जी का आंसर ए आया हुआ है धीरज आंसर सी कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीतू का आंसर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस है हां सुधांशु जी डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इट्स माय चॉइस ओके okay, सो so बलदेव सैनी जी का आंसर सी है शनि का आंसर सी है केशन सी ज्वाला आंसर बी कर रहे हैं रामविलास जी सी अश्वनी अश्वनी ए ममता का आंसर सी है ओके okay, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर किसने दिया है तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्वाला ने दिया है दैट मीन्स केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ठीक है पहला समर्पित इंटर एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल कहाँ का है कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बैंगलोर में ठीक है कल की न्यूज में मैंने आपको पढ़ाया

श्री एम श्रीनिवासन ने 12 मार्च 2021 को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत के पहले समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया कार्गो टर्मिनल अंतरराष्ट्रीय कोरियर के निर्यात और आयात के लिए विशेष रूप से काम करता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका हैप्पी यादव जी आ चुके हैं वेरी गुड मॉर्निंग हैप्पी कैसे हैं आप चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा मुलायम जी की कॉपी करके आंसर दे रहे हैं है, मैम चलो यहाँ कॉपी करके क्या कर लेंगे जब आप एग्जाम में आंसर नहीं कर पाओगे ठीक है नहीं नहीं बिल्कुल शनि यादव जी आंसर या, शनि भाई पढ़ाई वढाई करते हैं रामविलास जी आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कल की न्यूज में मैंने ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस भी किया हुआ था ठीक है तो ब्रिक्स सीजीटीआई दैट इज कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज तो ब्रिक्स का जो 2021 की पहली बैठक हुई है 9 मार्च से 11 मार्च तक भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी आपको बताना है 2021 के लिए ब्रिक्स सी जी ई टी आई की विषय वस्तु क्या है कल की न्यूज में ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है अगर आप रोज सेशन करंट अफेयर्स के अटेंड नहीं कर रहे हैं तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम देगा आपको रोज अपडेट होना पड़ेगा और आपको घर जाकर रिवाइज भी करना पड़ेगा अदरवाइज आप कुछ भी आंसर नहीं कर पाओगे ठीक है और रेगुलर टेस्ट जरूर दिया तो बाकी फिफ्टी परसेंट आपकी प्रिपरेशन अधूरी रह जाएगी ठीक है तो अपने टेस्ट अपने आप से टेस्ट दिया करिए और एनालाइज करें खुद को अंकित कुमार जी आ चुके हैं वेरी गुड मॉर्निंग चलिए बहुत अच्छी बात है हैप्पी ठीक है सुधांशु जी का आंसर बी है मोहित आंसर बी कर रहे हैं चलिए जल्दी से आंसर करेंगे आप यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं ब्रिक्स एट 15 फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन इंपैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिक्स एट दी रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसिस और इसी के साथ में ब्रिक्स 2021 आपका थर्ड ऑप्शन है एंगेजिंग माइंड एम्पावरिंग मेडिसिन वुमेन इन लीडर अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन दी कोविड नाइनटीन तो ये आपको याद रखना है ठीक है चलो टेस्ट की टाइमिंग क्या है मैम हैप्पी यादव जी आप कोई भी टेस्ट दे सकते हैं टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए ठीक है आप ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं प्रबल अकेडमी में आकर के जो की संडे को होता है ठीक है तो बलदेव जी वेरी गुड मॉर्निंग लेखराज जातव आ चुके हैं वेरी गुड मॉर्निंग नहीं सभी लोग आंसर देंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर बी दैट मीन ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस क्लियर है तो उसको आपको याद रखना है ये पॉइंट ठीक है आपका जो आ, थीम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जरूर से एग्जाम में पूछा भी जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं कल मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया हुआ था डिटेल में कि ब्रिक्स में आपकी कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं ठीक है ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका इसके साथ में आपको मैंने आपको बताया था इसका गठन कब हुआ था वर्ष 2009 में वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया ठीक है और ये पांचों कंट्रीज के हेड कैपिटल सभी चीजें हम यहाँ पे खिलाएंगे यहाँ पे हम क्या कर चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं ठीक है अगले संडे आएंगे यूपीएसआई का टेस्ट देंगे बिल्कुल अच्छी बात है रामविलास जी ओके okay, अश्विनी जी मैं आपकी रिक्वेस्ट को बिल्कुल मैनेजमेंट तक पहुंचा दूंगी कि आ, आ, की प्रबल कोचिंग की तरफ से फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाए और वो भी सब्जेक्ट वाइज ठीक है बिल्कुल आपकी जो डिमांड है वो मैं आपको रिक्वेस्ट आपकी पहुंचा दूंगी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तक ठीक है चलिए तो इसका आंसर क्या है आपका आर्थिक और फिफ्टीन पर ब्रिक्स अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा सा आ, हिंदी में लिखा हुआ है बट आपका जो ऑप्शन था वो बी ही है ठीक है तो यहाँ पे क्या है आर्थिक और व्यापार मुद्दों सीजीईटीआई पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक 9 मार्च से 11 मार्च तक हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारत ने की थी और इसको आयोजित भी किया ठीक है 2021 के ब्रिक्स की विषय वस्तु ब्रिक्स एट दी रेट फिफ्टीन इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कॉन्सोलिडेशन एंड कंसेंसिस है और भारत ने डिलीवरी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ब्रिक्स एमएसएमई गोलमेट सम्मेलन के दायरे और ब्रिक्स व्यापार मेले को मेल पर विचार व्यक्त किए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सभी लोग आंसर करेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है कल की न्यूज में मैं इसे इसे डिस्कस भी भी कर कर चुकी हूं और क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है है बहुत बहुत है। इसे आप स्टार मार्क सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन है दस हजार रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है ऑप्शन है मिताली राज स्मृति मंधाना हरमनप्रीत कौर या फिर पूनम यादव आज ही की सेशन uh, में आज के सेशन में भी कल के सेशन में भी इस क्वेश्चन को हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं मुझे हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी के साथ में आंसर चाहिए चलिए सभी लोग एक बार प्लीज सेशन को लाइक like कर दे ठीक है सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक करें शेयर करें और अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें तो सभी का आंसर ए आ रहा है जैसा कि मैं देख सकती हूँ कुलदीप ज्वाला अश्विनी आदर्श लेखराज राज मुलायम कमल सुधांशु मोहित दीपक जीतू सभी का आंसर मिथाली राज है वेरी गुड ठीक है नंबर वन भारतीय महिला की अगर हम बात करें तो नंबर वन पे मिथाली राज है और पूरे संसार में वर्ल्ड में कौन है नंबर टू पे है ठीक है तो ये भी हम आ, कल के न्यूज में भी डिस्कस किया था भारत की महिला टीम की कप्तान मिताली राज 12 मार्च दो हजार इक्कीस को दस हजार अंतरराष्ट्रीय और विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है भारत के लिए अपना दो सौ एक दिवसीय मैच खेल रही मिताली राज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ द्विपक्षीय श्रृंखला के तीसरे मैच के दौरान इतिहास रचा है तो ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है देखते हैं क्या है आप आपका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे आकर्षक विकास स्थल में भारत की रैंक क्या थी कल की न्यूज में यह भी हमने डिस्कस किया हुआ है आपके ऑप्शन हैं चौथा छठा तीसरा या फिर सातवां चलिए आंसर करेंगे अच्छा दस हजार परसेंट हो गया चलिए बहुत अच्छी बात है ओके सुधाशु जी फर्स्ट इन इंग्लैंड बहुत अच्छे फेवरेट वुमेन क्रिकेटर ओके रामविलास जी का आंसर ए आ चुका है चलिए सेवेंथ आंसर आ रहा है जीतू का मुलायम सिंह जी फोर्थ बता रहे हैं कल की न्यूज़ में इसको मैंने डिस्कस किया था सबसे आकर्षक विकास स्थल में भारत की रैंक क्या है ओके फोर्थ आंसर आ रहा है निराशा जी सी आंसर करिए निराशा आप घर जाके रिवाइज नहीं किया है आपने पीडीएफ जरूर रिवाइज किया करिए ठीक है थीके? योगेश पांडे ए बता रहे हैं लेखराज यादव ए फोर्थ आंसर कर रहे हैं अश्विनी का आंसर फोर्थ है ममता ए बता रही हैं दीपक जी का आंसर सी है चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए दैट मीन्स चौथा ठीक है तो देखते हैं इसमें क्या है सीईओ में एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार भारत पांचवा सबसे आकर्षक विकास स्थल बनकर रह गया है सॉरी अच्छा इसका आंसर पांचवा है ओके okay. नहीं पांचवा नहीं होना चाहिए आई थिंक चौथा ही है अच्छा यहाँ ऑप्शन ही गलत है ठीक है so, सो सॉरी ठीक है यहां ऑप्शंस आपके गलत हैं ठीक है कौन सा होगा ये होगा आपका पांचवा ठीक है ये ऑप्शंस गलत है चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा तो सीईओ के एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार भारत पांचवा सबसे आकर्षक विकास स्थल बनकर उभरा है अमेरिका नंबर एक के बाजार पर है नंबर एक पर है जिसे सीईओ अगले 12 महीनों में वृद्धि के मामले में देख रहे हैं और दूसरे स्थान पर आपके आपका है ठीक है और निष्कर्ष अग्रणी कंसल्टेंसी पीडब्ल्यू के पीडब्ल्यू के चौबीसवें वार्षिक वैश्विक सीईओ सर्वेक्षण का हिस्सा है जिसमें भारत सहित चौ सौ देशों और क्षेत्रों में पांच सीईओ शामिल है ठीक है चौथा है चलो मैं इसको एक बार कंफर्म कर लेती हूँ मुझे भी याद आ रहा था कि मैंने कल आपको फोर्थ पढ़ाया है या फिफ्थ है बट यहाँ पे आंसर फिफ्थ दे रखा है चलिए मैं आपको डिस्कस कर लूंगी इस क्वेश्चन को हाँ मैंने ही फोर्थ बताया था मुझे भी याद है आदर्श ठीक है यहाँ पे मे भी कुछ आ, आ, वो हुआ है टाइपिंग में एरर हुआ है ठीक है तो मैं एक बार और कन्फर्म कर लूंगी फिर इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूंगी कल फोर्थ रैंक बताई थी हाँ मुझे पता है मुलायम सिंह जी मैंने आपको फोर्थ ही बताया था ठीक है मुझे याद आ रहा है बट देख लेती हूँ मैं एक बार यहाँ पे टाइपिंग एरर है कि कल मैंने गलत गलत बोला था ठीक है तो ये आपको डिस्कशन में कल ये कर दूंगी ठीक है इस क्वेश्चन को आप पेंडिंग कर दें या फिर आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा मैं कमेंट में आपको बता दूंगी ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी हमने यहाँ पे आज आपके करंट अफेयर्स की न्यूज डिस्कस की है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं तो थोड़ा सा हम आ जाते हैं यूपी स्पेशल पे यूपी की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की और देखेंगे इसमें क्या क्या कैसे इसका गठन हुआ था इसका नाम कैसे पड़ा था सबसे पहले तो आज हम यही देखेंगे बाकी चीजें हम इसके साथ में डेली के सेशन में आपको थोड़ा थोड़ा मिलता जाएगा क्योंकि हमारे पास समय कम होता है तो इसको लेकर के भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है ठीक है तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो प्रदेश का नाम क्या है इसके चिन्ह क्या हैं और इसकी राजधानी क्या है कब कौन सी राजधानी बनी है ये सभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे तो प्रदेश का नाम 1836 में ठीक है क्या पड़ा था उत्तर पश्चिम प्रांत था ठीक है 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था उत्तर प्र, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश आपका प्रांत ठीक है उसके अलावा 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध पड़ा 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसको कहलाया जाने लगा 1937 से केवल संयुक्त प्रांत मींस यूनाइटेड प्रोविंस को कहा जाने लगा और 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ और इसका नाम क्या पड़ गया उत्तर प्रदेश और आप सभी को पता है 24 जनवरी को हम आप क्या बनाते हैं 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश डे भी मनाते हैं और यूपी दिवस भी मनाया जाता है ठीक है तो ये सभी आपने आज देखा कि इसका नाम कब और क्या पड़ा था तो ये याद रखिएगा एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लेता है अच्छा टैग कब स्टार्ट हुआ था स्टार्ट होके खत्म भी हो गया है बट मैं फिर से एक बार जी आई टैग ले आऊंगी रामविलास आप टेंशन मत लीजिए ठीक है क्लासेस में बस रेगुलर रहे यही आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए ठीक है फाइव है ठीक है मैं एक बार देख लूंगी ठीक है चलिए मुलायम सिंह जी एकदम रट के बैठे हुए हैं यूपी का एरिया कितना है इसका पूर्वी जिला क्या है सब कुछ बहुत अच्छी बात है तो यहाँ देखते हैं आगे हमारे क्या क्या चीजें हैं प्रदेश की राजधानी 1836 में इसकी राजधानी क्या थी आगरा थी 1858 में राजधानी इसकी प्रयागराज बनी ठीक है 1921 से इसकी राजधानी लखनऊ बनी लेकिन ये आंशिक रूप से थी और जब हम पूर्णतः राजधानी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्णतः लखनऊ कौन से वर्ष से बनी है तो ये बनी है 1935 से ठीक है ये फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है ठीक है इसके अलावा उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ इसका पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है और राज्य का विभाजन 9 नवंबर 1956 को हुआ है ठीक है तो इस तरह से आपको याद रखना है राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था यह हुआ था आपका एक नवंबर 1956 और इसका विभाजन कब हुआ नौ नवंबर नाइन नवंबर 1956 ठीक है हम एमपी से हैं कोई बात नहीं लेखराज यादव जी हम एमपी भी लेकर के आएंगे ठीक है तो मुलायम सिंह अश्वनी सभी लोग आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे बट आज हमने सिर्फ इतना ही देखना है थोड़ा थोड़ा देखेंगे ठीक है क्योंकि बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं रहता है तो सारी चीजें मैं आपको जरूर से पढ़ प्रथम राजकीय भाषा क्या थी? आपकी इसकी घोषणा की गई थी अक्टूबर 1947 से और ये आपकी देवनागरी लिपि में रही है और क्या रही है हिंदी रही है और उन्नीस से इसकी प्रथम राजकीय भाषा हिंदी ही है इसके अलावा द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी रही है यह है नाइनटीन से और इसका दर्जा दिया गया है उर्दू को ठीक है और इसके साथ में राजकीय पशु यहाँ का क्या है बारह सिंगा है राजकीय पक्षी क्या है सारस अथवा क्रॉंच है ठीक है राजकीय वृक्ष क्या है अशोक है राजकीय पुष्प पलाश एवं टेंसू है और इसका जो है कब दिया गया था इसको आपका जो है राजकीय पुष्प जो माना गया था चार जनवरी 2011 से राजकीय खेल की बात करें तो राजकीय खेल क्या है यहाँ पे हॉकी है राजकीय चिन्ह क्या है एक वृत्त में ठीक है एक व्रत में आपकी दो मछलियां होती हैं ठीक है ये इसका राजकीय चिन्ह है ठीक है इसको आपको याद रखना है एक तीर धनुष होता है इस तरह से ठीक है आपने देखा होगा और ये चिन्ह आपका कब स्वीकृत किया था 1938 में इसको स्वीकृत किया गया था ठीक है तो ये तो हो गया आपका यूपी का पोर्शन ठीक है यूपी से रिलेटेड इसका पोर्शन इतना पोर्शन ही आज हम डिस्कस करेंगे साथ में हमें स्टैटिक भी डिस्कस करना है तो जल्दी से हम देख लेते हैं आपकी स्टेट्स और वहां की बर्ड सैंचुरीज यहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं नेशनल पार्क हम डिस्कस नहीं कर रहे सिर्फ और सिर्फ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बर्ड सेंचुरीज ठीक है तो चलिए देखते हैं आखिर बर्ड सैंचुरीज कौन कौन सी है आंध्र प्रदेश की बर्ड सेंचुरीज की बात करें तो ये कौन सी है अतापाका बर्ड सेंचुरी ठीक है ये आर है ठीक है नेला पट्टू बर्ड सेंचुरी पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी श्री पेनसुला नारा सिम्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही इसकी बर्ड सेंचुरी आती है और उपालापादू बर्ड सेंचुरी भी आंध्र प्रदेश की है ठीक है अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट क्या बनता है तो इंपॉर्टेंट आपकी बनेगी पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी और श्री पेनसुला नरसिम्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दोनों आपकी इंपॉर्टेंट बनती हैं और कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि ये कहाँ की जो है वो कहा कि आपकी बर्ड सेंचुरी ये कहां पर लोकेटेड है इससे रिलेटेड में क्वेश्चंस आपको कल कराऊंगी तो बिल्कुल भी आज आपको सारी बर्ड सेंचुरीज लर्न करके आनी है क्योंकि कल इस, इसका क्विज सेशन होने वाला है असम की बर्ड सेंचुरीज की बात करें तो बोर्दोई बान बील मिखू बर्ड सेंचुरी है दीपार बील बर्ड सेंचुरी है पानी धेंग बीड्स बर्ड सेंचुरी यहां पर आपकी आती है ठीक है इसके साथ में बिहार की बात करें तो नागी डैम बर्ड सेंचुरी है नखती डैम बर्ड सेंचुरी है और भिंद बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपकी बर्ड सेंचुरिज कहां की हो जाती हैं बिहार की हो जाती हैं दिल्ली की मोस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है दिल्ली की आपकी ये पूछी जाती है ये आपकी नफज नफजगढ़ नजाफगढ़ ड्रेन बर्ड सेंचुरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोवा में आपकी है सलीम अली बर्ड सेंचुरी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट सलीम अली नेशनल पार्क आपका जम्मू एंड कश्मीर में है लेकिन जब क्वेश्चन आता है सलीम अली बर्ड सेंचुरी का तो ये कहां पर है ये है आपका गोवा में कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है गुजरात की बर्ड सैंचुरी गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खिचड़िया बर्ड सेंचुरी कच्छ बस्टर्ड सैंचरी इम्पॉर्टेंट हो गया जिनको मैं स्टार्ट बोल मैं जिनको मैं स्टार लगा दे रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और कल आपका टेस्ट भी होना है बर्ड सैंचरी से लेकर के तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा आज के आज ही ठीक है नल सरोवर बर्ड सैंचुरी पोरबंदर बर्ड सेंचुरी यह आपका गलत है ठीक है पोरबंदर बर्ड सेंचुरी यह भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है थोल लेख बर्ड सेंचुरी ये भी आपका इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की क्या है भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और खपावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की बर्ड सेंचुरी आपकी आती है गंगल बर्ड सेंचुरी तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बनती है कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी और पोरबंदर बर्ड सेंचुरी जो की आपकी कहां पे है ये है आपकी गुजरात में कर्नाटक स्टेट की बात करें तो यहाँ पे बांकापुरा पीकॉक सेंचुरी है ठीक है बानल बर्ड सेंचुरी है मगदी बर्ड

पूछा जा सकता है तो याद कर लें दिमाग में अच्छे से बिठा लें ग्रेट इंडियन बर्स्टर्ड सेंचुरी कहाँ की है यह है आपकी महाराष्ट्र में लेंग तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है यह है आपकी मिजोरम में उड़ीसा में मोस्ट इंपॉर्टेंट दस बार क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ की है चिल्का लेक आपको पता है उड़ीसा में है याद रखिएगा चिल्का लेक बर्ड सैंचुरी भी कहाँ पे हो जाएगी उड़ीसा में हो जाएगी हरी के बर्ड सैंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है पंजाब में केवला देव नेशनल पार्क दस बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है हजारों बार पूछा जा चुका है कहाँ पे है राजस्थान में है खीचन बर्ड सेंचुरी राजस्थान ताल छापर सेंचुरी राजस्थान तमिलनाडु पे आ जाते हैं चिंद्रगुदी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है तमिलनाडु वेलोड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु कुंथा बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु ठीक है अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश पे ठीक है उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बर्ड सेंचुरी हैं बहुत सारी बर्ड सेंचुरी हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपके एग्जाम्स होने वाले हैं यूपीएसआई है पीटी है यूपी पी है, है तो इन सभी को आपको याद करना इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है ठीक सब सब है सबके सब इंपॉर्टेंट है सबको याद रखना है कौन कौन सी है बखीरा सेंचुरी लाख बहोशी लाख बहोशी सैंकुरी नवाबगंज गंज बर्ड सेंचुरी कई बार पूछा जा चुका है नवाबगंज बर्ड उन्नाव के पास में है ठीक है ओखला सेंचुरी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है पटना बर्ड सेंचुरी पटना बर्ड सेंचुरी आपका जो है ये आपका पटना कहां पर है उत्तर प्रदेश में है कंफ्यूज मत होइएगा ऑप्शन में आपको पटना भी देगा सामन सेंचुरी उत्तर प्रदेश समस्पुर सेंचुरी उत्तर प्रदेश सांडी बर्ड सेंचुरी थसराना बर्ड सेंचुरी सभी कहां पर है उत्तर प्रदेश में है वेस्ट बंगाल में आ जाते हैं तो चिंता नोनी कार बर्ड सेंचुरी और राइट गंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपकी कहां पे है वेस्ट बेंगाल में है और कल इसी का एम आपका होगा कल इसी के आपके टेस्ट होंगे तो आज सभी बर्ड सेंचुरीज आपको याद कर लेनी है और जाकर के पीडीएफ रिवाइज भी करनी है ठीक है तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे ठीक इसी टाइम पर सात बजे जुड़ना मत भूलिएगा सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए जाने से पहले शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ में ताकि वो भी पढ़ सके और इसके साथ में आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच अ नाइस डे टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन